हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं 14.1 एक्साई प्रोबेबिलिटी। 14.1 चार ही क्वेश्चन है इसके, बहुत ज़्यादा इजी हैं। सैम्पल स्पेस अपने को फाइंड करना है। सैम्पल स्पेस का मतलब होता है भी टोटल कितनी कंडीशन बनती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है, एक कार्टून में से तीन बल्ब निकालने हैं, थ्री बल्ब आर ड्रॉन, और डैमेज है तो उसको डी लिखते हैं और नॉन डैमेज है तो एन लिखते हैं, ठीक है। तो तीन बल्ब अपने को निकालने हैं, तो उन तीनों की क्या कंडीशन हो सकती है। तो देखो, अगर देखो एक तो डैमेज है और एक नॉन डैमेज है, तो दो कंडीशन ये बनती हैं, ठीक है। तो अगर किसी की दो कंडीशन बनती हैं, जितनी भी कंडीशन बनती है उसमें से जितने चूज करने हैं वो उसकी पावर एन हो जाती है, तो 2 की पावर 3। जैसे हेड और टेल है, एक बार उछालेंगे तो दो, दो बार उछालेंगे तो चार, तीन बार उछालेंगे तो आठ, तो ऐसे कंडीशन बनेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चूज करने के लिए डी और एन, यानी डैमेज है और नॉन डैमेज है, दूसरा चूज करने के लिए डैमेज और नॉन डैमेज, तो ये दो बल्ब चूज करने की कंडीशन होगी टोटल, यानी दोनों डैमेज हो सकते हैं, पहला डैमेज दूसरा नॉन डैमेज, पहला नॉन डैमेज दूसरा डैमेज, और तीसरा और चौथा नॉन, दोनों नॉन डैमेज। और तीसरा बल्ब जब निकालेंगे तो तीसरे डबल की बल्ब की भी दो कंडीशन होती है, इनको इन चारों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल आठ कंडीशन बन सकती हैं, यानी तीनों डैमेज, दो डैमेज, एक नॉन डैमेज, मतलब इस तरह से आठ कंडीशन बनती हैं, ठीक है। जैसे हेड टेल है, हेड टेल यानी तीन बार उछालेंगे तो ट्रिपल एच, ट्रिपल टी, एच टी एच, वैसे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या पूछा उसने, फोर कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम ए डेस्क, इसमें जितनी कंडीशन होती है उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, चार कार्ड निकाले जाते हैं, उसमें से एक तो है किंग, तो किंग होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं, अपने को सैम्पल स्पेस ढूंढना है, किंग होने की होती है चार, फिर आगे क्वीन, किंग क्वीन होने की भी होती है चार, फिर आगे फे फेस ए सॉरी किंग क्वीन, और ये कौन सा कार्ड होगा, किंग क्वीन जैक हो, हाँ ये जैक है, तो जैक, जैक होने की भी फोर, और लास्ट एस होने की भी फोर, तो टोटल 256 सैम्पल स्पेस बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये बोला है एक डाइस उछाला जाता है जिसमें ई और एफ दो इवेंट हैं, ई तो इवेंट उसने बोला है, ई इज एन इवेंट टू गेटिंग फोर ऑन द डाइस, यानी डाइस पे तो आना चाहिए फोर, ये है ई इवेंट। और एफ इवेंट उसने क्या बोला है, इवन नंबर इज एफ, यानी 2 4 6, ये तो है इवन नंबर, ठीक है, ये एफ इवेंट है, ये ई इवेंट है। तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है भी ये दोनों आपस में डिपेंडेंट ना हो, यानी इन दोनों में से अगर कुछ भी कॉमन नहीं आए तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रही है, फोर, सो ई और एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी 5 के इक्वल नहीं है। अगर किन्हीं दो इवेंटों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। जैसे आपने, जैसे मान लो आपको ई दे देता इवन नंबर 2 4 6 और एफ दे देता ओड नंबर 1 3 5, तो ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। लास्ट क्वेश्चन देखो, टू डाइस उछाले जाते हैं, दो डाइस उछाले जाते हैं, अब अपने को सैंपल स्पेस बनाना है, सैंपल स्पेस बनाना है पेयर का, पेयर का पेयर मतलब दोनों जगह सेम आने चाहिए, तो आपको पता है जब दो डाइस उछालते हैं तो ये पेयर होते हैं, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और दूसरे वाले का सैंपल स्पेस बनाना है जब सम ऑफ डिजिट क्या है, 8 आए, तो 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, तो ये टोटल कंडीशन बनती हैं। ओके, थैंक यू।